खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा नायाब चेहरा बन गए हैं कि फिल्म के निर्माता इस चेहरे को लेकर कई फिल्में बनाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज से लगभग 7-8 साल पहले इस चेहरे को कोई नहीं जानता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोजपुरी फिल्मों के निर्माता आज खेसारी लाल को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। उसी चेहरे को वो पहले फिल्मों में लेने से डरते थे कि कहीं उनकी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन अपनी मेहनत और दमदार एक्टिंग से इस सुपरस्टार ने दर्शकों को नहीं बल्कि फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनके अलग अलग अंदाज में ऐसी बात है कि वो फिल्म को हिट नहीं बल्कि सुपरहिट बना सकते हैं और दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। खेसारी के इसी एक्टिंग को देखकर उन्हें फिल्में मिलने लगी और उन्हें साजन चले ससुराल और नागिन जैसी सुपरहिट फिल्में करके अपनी एक खास पहचान बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल ने अभी तक 100 से ज्यादा फिल्में की हैं और बीते दिनों पहले उन्होंने अपनी फिल्म आतंकवाद को लेकर काफी बातें कही थी। अपनी खास बातचीत में खेसारी ने कहा कि मुझे काफी हैरानी तब हुई जब इस फिल्म के पोस्टर को 12 लाख से ज्यादा बार दर्शकों ने देखा था। वैसे खेसारी जी, आप सुपरहिट फिल्में तो करते ही हैं, लेकिन फिल्म आतंकवाद के पोस्टर को देखने के लिए दर्शकों में जिस तरह की होड़ मची हुई थी। खेसारी ने कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि दर्शक मुझसे इतना प्यार करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.